ईसा की 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात है। प्रयाग में एक बहुत बड़े दान समारोह का आयोजन किया गया था। संपूर्ण भारत से लोग दान दक्षिणा पाने के लिए एकत्र थे। राजा दान दक्षिणा की सभी वस्तुओं को, यहाँ तक कि राजकोष की संपूर्ण संपत्ति और अपने शरीर के समस्त आभूषणों को जब दान दे चुके, तो एक व्यक्ति ऐसा रह गया जिसे देने के लिए उनके पास कुछ शेष नहीं था। राजा ने पास खड़ी बहन से अपना तन ढकने के लिए दूसरा वस्त्र मांगकर अपना उत्तरीय उतार कर उस याचक को दे दिया। जन जन को अपनी दानशीलता से मुक्त करने वाले यह राजा और कोई नहीं, दानवीर हर्षवर्धन थे। 590 ईस्वी के ज्येष्ठ माह में रानी यशोमती के गर्भ से हर्ष का जन्म हुआ था। उनके पिता प्रभाकरवर्धन थानेश्वर के योग्य एवं प्रतापी शासक थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले हूणों का बड़ी कुशलता से दमन किया था। पिता की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन गद्दी पर बैठे। इसी बीच मालवा के राजा देवगुप्त ने हर्ष की छोटी बहन राज्यश्री के पति ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। ग्रहवर्मा कन्नौज के राजा थे। राज्यश्री को कैद करके कारागार में डाल दिया गया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने मालवा पर चढ़ाई कर दी और वे युद्ध में विजय हुए, किंतु लौटते समय बंगाल के राजा शशांक द्वारा उन्हें मार दिया गया। हर्ष अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु पर अत्यधिक दुखी हुए और उन्होंने राजपाट छोड़ने का निश्चय कर लिया। इस पर मंत्रियों ने उन्हें बहुत समझाया और राजा बनने की सविनय प्रार्थना की। अतः हर्ष शीलादित्य उपनाम ग्रहण करके वर्ष 606 ईस्वी में कन्नौज के सिंहासन पर बैठे। हर्ष ने बंगाल नरेश शशांक को परास्त करके अपनी बहन राज्यश्री का पता लगाया। अपनी बहन को लाने के बाद हर्ष ने उन्हें जीवन पर्यंत अपने पास रखा। इसके बाद उन्होंने उत्तरी भारत के विभिन्न राज्यों को जीत कर अपने अधिकार में कर लिया और अपने राज्य में पूर्ण शांति स्थापित की। हालांकि दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने में वे असफल रहे। हर्ष एक प्रजावत्सल राजा थे। प्रजा के हित के लिए उन्होंने महान कार्य किए। उनके समय में भारत को अपने इतिहास के एक अत्यंत भव्य युग को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर्ष धार्मिक विषयों में उदार और विद्या प्रेमी थे। प्रयाग की सभा में वे सभी वर्गों, जातियों, धर्मों और संप्रदायों के लोगों को निष्पक्ष होकर दान देते थे। वे बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ सूर्य और शिव की मूर्तियों का भी सम्मान करते थे। वे इतने बड़े दानी थे कि युद्ध सामग्री के अतिरिक्त वे सब कुछ दान दे देते थे। उन्होंने नगरों तथा गांवों के राजमार्गों पर धर्मशालाएं बनवाई, जिनमें भोजन और चिकित्सा का प्रबंध भी किया गया था। हर्ष स्वयं विद्वान होने के साथ साथ विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। प्राचीन भारत की साहित्यिक समालोचना में उन्हें उच्च श्रेणी का कवि माना जाता है। हर्ष के कार्य कलापों के विषय में विशेष वर्णन चीनी यात्री वेनसांग के लेखों में मिलता है, जो 630 ईस्वी में भारत आए थे। वेनसांग ने उस काल के नाना प्रकार के वस्त्रों का विशेष उल्लेख किया है। राज्य के नगर विशेष रूप से समृद्ध एवं विकसित थे। ये नगर स्तूपों, विहारों, मंदिरों, अतिथि भवनों, धर्मशालाओं एवं सब प्रकार की सुख सुविधाओं से पूर्ण थे। बौद्ध धर्म का अध्ययन पूरा कर चीन लौटते समय वेनसांग ने कहा, मैं अनेक राजाओं के संपर्क में आया, किंतु हर्ष जैसा और कोई नहीं। मैंने अनेक देशों में भ्रमण किया है, किंतु भारत जैसा कोई देश नहीं। भारत एक महान देश है और उसकी महत्ता का मूल है उसकी जनता तथा हर्ष जैसे उसके शासक।